अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो प्रोडक्ट आपके सामने लिख रहे हैं वो डीलिंग कंपनी का राउटर है जिसका मॉडल है DIR 815। एक लाइट वेट राउटर है जो कि प्राइस के हिसाब से भी बहुत ज़बरदस्त है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इस राउटर में एक वैन पोर्ट है जबकि चार इसकी लैन पोर्ट्स हैं। वाईफाई कवरेज को बढ़ाने के लिए इस पर 2 एंटीने भी दिए गए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त है। WPA और WPA2 की सिक्योरिटी इस पर है। इस राउटर में पावर ऑन ऑफ करने का बटन भी दिया गया है। इसके साथ ही आपको रीसेट करने का बटन मिल जाता है। इस राउटर की पावर सप्लाई 5 वोल्ट 2.5 एम्पीयर की है। राउटर के ऊपर डिस्प्ले लाइट दी गई हैं जिनमें पावर की लाइट है, इंटरनेट की लाइट है, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज के सिग्नल्स की लाइट है और 4 इसकी लैन पोर्ट्स की लाइट है। अब जो भी पोर्ट में वायर को प्लग इन करेंगे तो उस पोर्ट की LED लाइट ऑन हो जाएगी जो कि आपको इंडिकेट करेगी कि आपकी जो वायर है वो ठीक काम कर रही है। इस राउटर का वजन 212 ग्राम है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल और सादा सा राउटर है, कीमत के लिहाज से इंतहाई मुनासिब है। अगर आप इसकी कीमत जानना चाह रहे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको इस राउटर की कीमत भी मिल जाएगी। इसके अलावा मजीद बहुत सारे राउटर आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे। आपको हमारी वेबसाइट पे तमाम राउटर्स की प्राइस भी मिल जाएगी। इसके साथ आप वहाँ से परचेज भी आसानी से कर सकते हैं। इस राउटर का सेटअप भी इंतहाई आसान और सादा है। हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको इस राउटर की कन्फिग्रेशन करके दिखाते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। ये दोस्तों हम आगे हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे अपना एक ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र में इस राउटर का डिफ़ॉल्ट IP लगाएंगे जो कि 192.168.0.1 है। एंटर कर देंगे, राउटर का एडमिन वाला पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन ही है। यहाँ पर सेटअप है, एडवांस है, टूल्स हैं और स्टेटस है। सेटअप में हम जाएंगे इंटरनेट की सेटिंग में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन टाइप है, जैसा कि ये कनेक्शन टाइप हमारे पास डायनामिक IP पे है। तो आप ट्रिपल IP भी यहाँ पर डायल कर सकते हैं, WPTP, L2TP, तमाम ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। अगर आप IPPP डायल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जस्ट आप क्लिक करेंगे, आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड की ऑप्शन ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपके पास इसको सेव करने की ऑप्शन है। तो IPPP का अकाउंट आप यहाँ से आसानी से डायल कर सकते हैं। वायरलेस सेटिंग्स दी गई हैं यहाँ पर, आप वायरलेस सेटिंग विजिट के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर आप WPS के जरिए कोई डिवाइस इसके साथ ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आप मैनुअली तरीके से वायरलेस सेटअप कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर 2.4 GHz की वायरलेस सेटिंग्स है। वायरलेस नेटवर्क नेम आप यहाँ पर चेंज करेंगे, D-Link लिखा हुआ है, आप अपनी मर्जी का कोई नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप यहाँ पर वायरलेस मोड चेंज कर सकेंगे, बैंडविड्थ आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, इसको आप ऑटो पर रखिएगा। यहाँ पर आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं, इसको इनेबल कीजिएगा। यहाँ पर आप पासवर्ड लगा देंगे, आप अपनी मर्जी का कोई भी यहाँ पर पासवर्ड लगा सकते हैं, जैसा कि मैं ये डायल कर देता हूँ। सेम इसी तरह 5 GHz की सेटिंग्स है। दोस्तों 5 GHz में एक बड़ी अहम बात आपको बता देता हूँ कि अगर आपके मोबाइल पर 5 GHz के सिग्नल शो नहीं हो रहे इस राउटर के, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपकी चैनल की जो सेटिंग्स हैं वो ठीक नहीं होती। वायरलेस चैनल की जो यहाँ पर तादाद दिखाई जा रही है वो 36 है, तो आप इसको कम ज़्यादा यहाँ पर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर इनेबल ऑटो चैनल सिलेक्शन हुई है। इसको हम यहाँ पर चेक हटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस राउटर के टोटल चैनल आ जाएंगे जो कि 165 हैं। आप यहाँ पर चैनल्स की तादाद को मेंशन कर सकते हैं और आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप इसको ऑटो पे सेलेक्ट कर देंगे। 20+40 MHz को आप ऑटो पे कर देंगे। इसके बाद आपने इसकी सेटिंग को सेव कर देना है तो आपके 5 GHz के जो सिग्नल्स हैं इस राउटर पे वो आपके एंड्रॉयड डिवाइसेस पे शो हो जाएंगे। 5 GHz का अगर आप नाम चेंज ना करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर करेंगे, वायरलेस नेटवर्क नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको चेंज कर सकेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सिक्योरिटी इनेबल करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड लगा सकेंगे। 2.4 और 5 GHz पर आप शेड्यूल भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप न्यू शेड्यूल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑल डे लिखा हुआ है, आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइम आपकी वाईफाई ऑन हो और किस टाइम ऑफ हो जाए। तो शेड्यूल लगाने की ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। इसके बाद इसकी एडवांस सेटिंग्स हैं, इसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग है, QoS इंजन है। इनेबल करने के बाद आप यहाँ पर स्पीड लिमिट लगा सकते हैं और इसको आप सेटिंग को सेव कर देंगे तो आप यहाँ पर अपनी बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकेंगे। नेटवर्क फिल्टर है, वेबसाइट फिल्टर है, फायरवॉल की सेटिंग्स हैं, यहाँ पर आप फायरवॉल की सेटिंग कर सकते हैं। एडवांस वायरलेस सेटिंग्स हैं, इसके अलावा वाईफाई प्रोटेक्ट सेटअप है, इसको आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। एडवांस नेटवर्किंग है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मजीद आगे चलते हैं तो हमें टूल की ऑप्शन मिल जाएगी। टूल पे हमें एडमिन का पासवर्ड चेंज करने की ऑप्शन मिलती है, तो आप एडमिन वाला पासवर्ड यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। टाइम की ऑप्शन मिल जाएगी, आप इसको किसी भी कंट्री से कन्फिगर कर रहे हैं तो आपको टाइम जोन मिल जाता है, आप ये सेलेक्ट कर लीजिए। ईमेल की सेटिंग यहाँ पर दी गई है, सिस्टम की सेटिंग दी गई है, आप सारी कन्फिगरेशन को सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको री अपलोड भी कर सकते हैं। राउटर को डिफॉल्ट सेटिंग पर अगर लाना चाह रहे हैं तो आपको रिस्टोर की ऑप्शन मिल जाएगी। अगर आप राउटर को रीबूट करना चाह रहे हैं तो आप रीबूट भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेमवेयर की ऑप्शन है, आप इसका फ्रेमवेयर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। डायनामिक DNS की ऑप्शन दी गई है, सिस्टम चेक की ऑप्शन दी गई है, शेड्यूल भी दिया गया है। यहाँ पे हमारे
हमारे पास स्टेटस है, डिवाइस इन्फो है, डिवाइस इन्फो में आप चेक कर सकते हैं आईपी वगैरह, लैन की सेटिंग्स है, यहाँ पे लैन का आईपी जो हमारा है वो दिया गया है। इसके अलावा वायरलेस की सेटिंग हमें बताई गई है, वायरलेस लैन 2 की सेटिंग यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर आप चैनल देख सकते हैं कि 149 है, इसको आप 165 तक लेकर जा सकते हैं। वैन सेटिंग में हमारे पास कनेक्शन टाइप है जो कि डीएससीपी मोड पे है, केबल स्टेटस कनेक्टेड है, नेटवर्क कनेक्टेड है। दोस्तों अगर आपने ट्रिपल पीओ का अकाउंट डायल किया होगा तो यहाँ पर ट्रिपल पीओ लिखा हुआ आएगा। तो दोस्तों ये हमारे इस राउटर की वीडियो थी, बहुत ही आसान कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसको चंद मिनट में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये राउटर परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमारी वेबसाइट का विजिट करें, वहाँ पे इस राउटर के अलावा मजीद बहुत सारे राउटर्स की वैरायटी है। इसके साथ आपको वहाँ पे मैश सिस्टम मिल जाएंगे, वाईफाई एक्सटेंडर मिल जाएंगे और नेटवर्क की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी ज़रूरत की वहाँ पर अवेलेबल है। वेबसाइट का विजिट कीजिए और वहाँ से बआसानी कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप हमसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो हर वीडियो के एंड पर मोबाइल नंबर भी दिया गया है, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मोबाइल नंबर दिया गया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, मजीद इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।